5,000 रुपये का लोन कैसे ले तुरंत। दोस्तों, अगर आपको भी पैसों की इमरजेंसी है और आप 5,000 रुपये का लोन तुरंत अपने मोबाइल फोन से पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं आपको विथ प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हम इंस्टेंट इस लोन ऐप से 5,000 रुपये का लोन अप्लाई कर सकते हैं और तुरंत मेरा फर्स्ट अप्रूवल के साथ लोन अप्रूव होगा और इंस्टेंट हम इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं विदाउट इनकम प्रूफ और बिना किसी सिविल स्कोर के। तो दोस्तों, अगर आपको भी पैसों की इमरजेंसी है और आप भी तुरंत 5,000 रुपए का लोन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो में इस लोन ऐप के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, कैसे आपको इस लोन को अप्लाई करना है, साथ ही साथ लोन अप्रूव होने के बाद आप उस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए लगातार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको इस लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। इस लोन ऐप का डाउनलोड लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह मिल जाएगा। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करके इस लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इस लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस शो हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, इस लोन ऐप को यूज करने के लिए आपको अपने डिवाइस का कुछ परमिशन अलाउ करने होंगे। तो इसके लिए आप सिंपली नीचे एग्री एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप एग्री एंड कंटिन्यू करते हैं आपके सामने कंसेंट आएगा, तो आप यहाँ पे कंसेंट को अच्छे से रीड कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको आई एग्री टू ऑल का चेक बॉक्स दिख रहा है, इस पे आपको टिक मार्क करना है। इसके बाद आप एग्री एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे नीचे और एक एक परमिशन को अलाउ करते जाएंगे। तो जैसे आप सारा परमिशन अलाउ करेंगे आपको यहाँ पे इस लोन ऐप का कुछ हाईलाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा। देख सकते हैं हाईलाइट में बताया गया है यहाँ से आपको इंस्टेंट डिजिटल पर्सनल लोन 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा और क्रेडिट लोन अमाउंट की बात करिए तो आप 5,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं और मंथली इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 2.4% बताया गया है। तो ये इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके लोन अमाउंट पे डिपेंड करेगा और रिपेमेंट टेनर की बात करें तो आप 3 महीनों से लेकर 12 महीने तक के लिए लोन ले सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे इस लोन को अप्लाई करने के लिए आप नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज करना है कि आप किस भाषा में इस लोन ऐप का प्रयोग करना चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी। तो जो भी आपको सूटेबल लैंग्वेज लगे आप उस लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश में यूज करेंगे तो इंग्लिश पहले से सिलेक्टेड है, हम रहने देते हैं। देन इसके बाद नीचे आपको स्टार्ट बटन दिख रहा है, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं आपको रजिस्टर करना होगा इस लोन ऐप में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर करने के लिए सिंपल आप अपना मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे आपको एरो बटन दिख रहा है, आप सिंपल इस एरो बटन पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर के एरो बटन पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड किया जाएगा, तो जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पे ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी ऑटो वेरीफाई होगा। देख सकते हैं मेरा ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। अब ओटीपी वेरीफाई होने के बाद अब आपको यहां पे एक लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना होगा। दोस्तों यहां पे देख सकते हैं आपको 8 कैरेक्टर से लेकर 16 कैरेक्टर का कोई भी पासवर्ड यहां पे क्रिएट करना होगा। तो जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं उस पासवर्ड को आप न्यू पासवर्ड में पहले फिलअप करेंगे, पासवर्ड को दोबारा फिलअप करेंगे कंफर्म पासवर्ड बॉक्स में, इसके बाद आप नीचे एरो बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहां पे पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। अब जैसे दोस्तों पासवर्ड को क्रिएट कर लेंगे आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है और आप सक्सेसफुली इस लोन ऐप पर लॉगिन हो जाएंगे। देख सकते हैं आपके सामने इस लोन ऐप का जो डैशबोर्ड है उस प्रकार शो हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे 2 टाइप का लोन ऑप्शन मिलेगा, एक कैश लोन और एक लेवल अप लोन। अगर आपको दोस्तों मिनिमम लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, अगर आप 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए का लोन पाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लेवल अप लोन को चूज करेंगे, और अगर आपको ज्यादा पैसों की नीड है तो आप यहाँ पे 5,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए वाला जो कैश लोन है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको मिनिमम लोन अमाउंट अप्लाई करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लेवल अप लोन को हम अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों कैश लोन और लेवल अप लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो सेम है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लेवल अप लोन में बताया गया है कि आप इस लोन को ओनली केवाईसी बेसिस पर ले सकते हैं, यानी विदाउट कोई भी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी इनकम प्रूफ के आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल आपको इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, आप सिंपल अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने फिर से कंसेंट का चेकबॉक्स आएगा, तो आप इसको रीड कर लेंगे और दोनों यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाएंगे। इसके बाद आप एग्री एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आपको फिर से कुछ हाईलाइट देखने को मिलेगा, जैसा कि बताया गया है कि आप इस लोन को आधार एंड पैन कार्ड के वाईसी बेसिस पर ले सकते हैं। अब इसको आप हाईलाइट को रीड करने के बाद आप गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बताया गया है कि आप इंस्टेंट 5,000 रुपए का लोन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और जब आप फर्स्ट टाइम 5,000 रुपए का लोन लेकर इस लोन को टाइम पे रिपेमेंट करेंगे और आप नेक्स्ट टाइम जब यहाँ से लोन अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ से अप टू 1,00,000 रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब सिंपली
नीचे आपको लोन अप्लाई करने के लिए चेक माई क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन दिख रहा है, चेक माई क्रेडिट लिमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं फिर से आपको लोन अमाउंट यहाँ पे चूज करना होगा, जैसे कि जो लेवल ऑफ लोन है यहाँ से 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए का लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको 1000 रुपए का लोन चाहिए तो आप 1000 रुपए भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसको स्लाइड करके। अगर आपको पूरे 5000 रुपए का लोन अमाउंट चाहिए तो आप पूरा 5000 रुपए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अमाउंट को कुछ कम कर देते हैं, हमें 5000 रुपए नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपको हम दिखाएंगे सिर्फ यहाँ पे हम 2000 रुपए का लोन अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो लोन आप यहाँ पे लोन अमाउंट सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको मंथली इंटरेस्ट रेट और टेनर दिखा दिया जाएगा कि आपको कितने महीनों में इसको रिपेमेंट करना है और कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट देना है। तो सिंपल आप यहाँ पे सब कुछ चेक करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे बताया गया है कि अब आपको केवाईसी वेरिफिकेशन करना है। तीन स्टेप आप सब कंप्लीट करेंगे, केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, लोन आपका अप्रूव होगा और तुरंत आपके बैंक अकाउंट में आपका लोन अमाउंट डिसबर्सल कर दिया जाएगा। तो सिंपल आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे केवाईसी इंग्लिश में करना है या फिर हिंदी में, तो जो भी आपको लैंग्वेज चूज करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, हम इंग्लिश चूज करते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं जैसे आप केवाईसी लैंग्वेज चूज करेंगे, अब दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने केवाईसी पेज आ गया है। आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में पैन डिटेल्स को वेरीफाई करना है, तो सिंपल आप अपना पैन कार्ड का नंबर फिलअप करेंगे। तो चले फटाफट हम पैन नंबर फिलअप करते हैं। अब पैन नंबर जैसे फिलअप करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे सेकंड स्टेप में आएंगे। अब आपको सेकंड स्टेप में अपना आधार नंबर वेरीफाइड करना है, तो दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर वेरीफाइड करने के लिए आप सबसे पहले अपना आधार नंबर को फिलअप करेंगे, इसके बाद नीचे प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आधार नंबर फिलअप करके जैसे प्रोसीड करेंगे अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पे 3 डिजिट ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो जो भी आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल है उसी पे ये ओटीपी सेंड होगा, तो आप अपना आधार ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर को भी यहाँ पे फिलअप करना है, इसके बाद नीचे आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों देख सकते हैं जैसे आप अपना आधार ओटीपी और आधार लिंक मोबाइल नंबर को डाल के प्रोसीड करेंगे सक्सेसफुली आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं आपको योर केवाईसी सक्सेसफुली डन का मैसेज मिल जाएगा। अब सिंपली नीचे आपको यहाँ पे गो टू कैश लोन का बटन दिख रहा है, गो टू कैश लोन बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप गो टू कैश लोन बटन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको फिर से कुछ यहाँ पे डिटेल्स देना होगा, अपना पर्सनल डिटेल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया व्हाट द लोन पर्पस, आपका लोन लेने का पर्पस क्या है। तो जो भी आपका लोन पर्पस है यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे, तो कोई भी आप एक रीजन को चूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पर्सनल इमरजेंसी का रीजन दिया हुआ है, हम पर्सनल इमरजेंसी को चूज कर लेते हैं। अब दोस्तों लोन रीजन सेलेक्ट करने के बाद अभी अभी पूछा गया व्हाट योर मैरिटल स्टेटस, तो आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। अगर आपका शादी हो गया है तो आप यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका शादी नहीं हुआ तो आप सिंगल को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद आपको एजुकेशन लेवल यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपका एजुकेशन लेवल है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया व्हाट योर हाउसिंग टाइप, तो आपका हाउसिंग टाइप क्या है। सेल्फ ओन्ड, रेंटेड, रेंटल और रिलेटिव का आपको ऑप्शन मिलता है। तो आप जिस घर में रहते हैं अगर उस घर के मालिक आप खुद है तो आप सेल्फ ओन्ड को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप रेंटेड पे रहते हैं तो रेंटेड सेलेक्ट करेंगे, अगर रेंटल यानी फैमिली के साथ रहते हैं तो रेंटल सेलेक्ट करेंगे, अगर रिलेटिव के घर में रहते हैं तो रिलेटिव। तो जो भी आपका हाउसिंग टाइप है उसको सिंपली सिलेक्ट कर ले। अब हाउसिंग टाइप सेलेक्ट करने के बाद पूछा गया डू यू हैव ए जॉब, आपके पास क्या जॉब है, आप करते क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, एक सैलरीड पर्सन का, एक सेल्फ एम्प्लॉयड का, एक स्टूडेंट का और एक हाउसवाइफ का। तो जो भी आपका जॉब टाइप है उसको आप सिंपली सेलेक्ट करें। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं कहीं भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, तो आप सैलरीड चूज करें। अगर आप अपना काम करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करें। अगर एक स्टूडेंट इस लोन को अप्लाई करने तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपको अदरवाइज हाउसवाइफ का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए हम जिनका लोन अप्लाई करें वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे पूछा गया व्हाट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, अब आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, रेगुलर एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय और फ्रीलांसर का। तो हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किए हैं, तो हम यहाँ पे फ्रीलांसर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, यानी आप कितने समय से इस काम को करते आ रहे हैं। तो आपका जो भी वर्किंग एक्सपीरियंस है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों वर्किंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया व्हाट द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप। तो दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर कोई भी ट्रेडमार्क कंपनी चलाते हैं या फिर कोई दुकान चलाते हैं, तो आप उस कंपनी का या फिर दुकान का नाम यहाँ पे डालेंगे। कोई स्टोर आप चलाते हैं उस स्टोर का जो भी नाम है उसको आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे, इसके बाद नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों कंपनी और शॉप नेम फिलअप करने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क, यानी आप किस क्षेत्र उद्योग में काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको हर एक फील्ड मिल जाएगा, तो जो भी आपका वर्किंग फील्ड है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे रिटेल शॉप का ऑप्शन दिया है, तो हम जिनका लोन अप्लाई करेंगे एक रिटेल शॉप चलाते हैं, तो हम रिटेल शॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे वर्किंग फील्ड सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, यानी आपका मासिक आय कितनी है, कितना आप महीने में इनकम करते हैं। तो जो भी आपका मंथली इनकम है उसको आप फिलअप करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे।
मंथली इनकम फिलअप करने के बाद अभी अभी पूछा गया व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, आप अपने मासिक आय को किस तारीख को प्राप्त करते हैं। तो जिस तारीख तक आपके पास पैसा आ जाता है आप उस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद ये भी पूछा गया हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, तो आपका जो इनकम है वो आपको किस मेथड के थ्रू रिसीव होता है, बैंक अकाउंट के थ्रू, बैंक चेक आपको मिलता है या फिर कैश। तो चलिए हम यहाँ पे कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अब आप यहाँ पे फाइनल स्टेप में आ गए हैं। अब यहाँ पे पूछा गया हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, क्या आपने पहले कभी लोन का अनुभव किया है, पहले आप लोन लिए हैं। अगर आप लोन पहले भी लिए हैं, लोन का अनुभव आपके पास है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, येस एंड आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल। अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं, कभी आप लोन नहीं लिए हैं, तो आप लास्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, नो आई डू नॉट नो मच अबाउट लोन प्रोडक्ट। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब लोन एक्सपीरियंस सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको अपना एक ईमेल एड्रेस वेरीफाइड करना होगा। तो ईमेल एड्रेस देने के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू विद गूगल और कंटिन्यू विद अदर ईमेल का। तो जैसे आप कंटिन्यू विद गूगल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी ईमेल लिंक है सभी ईमेल का लिस्ट आ जाएगा। तो जो भी ईमेल आप लिंक करना चाहते हैं उस ईमेल को आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे दोस्तों आप ईमेल को वेरीफाई कर लेते हैं तो सक्सेसफुली आपका लोन यहाँ पे अप्रूव कर दिया जाएगा और जितने भी लोन रिक्वेस्ट आप किए थे वो लोन अमाउंट आपके सामने शो कर जाएगा। देख सकते हैं बताया गया है यू कैन स्टार्ट लेवल लोन एट, तो जो भी लोन अमाउंट आपका होगा वो लोन अमाउंट यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे बताया गया है लोन इज, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लोन सक्सेसफुली अप्रूव हो गया है। अब इस लोन अमाउंट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए नीचे आपको रिसीव बटन दिख रहा है, आप नीचे रिसीव बटन पे क्लिक करेंगे। रिसीव बटन पे जैसे क्लिक करेंगे अब आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक अकाउंट नेम पूछा गया है, तो जो भी आपका बैंक अकाउंट में नाम है उसको फिलअप करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे, बैंक अकाउंट का आरसी कोड डालेंगे, इसके बाद रिसीव मनी पे क्लिक करेंगे। अब जैसे बैंक डिटेल्स फिलअप करके रिसीव मनी पे क्लिक करेंगे आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा और इंस्टेंट लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस लोन ऐप के थ्रू इंस्टेंट 5,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको इस लोन ऐप से जो लोन अप्लाई करने का प्रोसेस से वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया है। इस लोन ऐप का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके इस लोन ऐप को डाउनलोड कीजिए और लोन अप्लाई कीजिए। और साथ ही मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपको इस लोन ऐप से कितने अमाउंट का लोन मिला है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।